हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनीवाल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, सत्यमेव जयते 2 का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई अटैक मूवी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट डे कलेक्शन सत्यमेव जयते 50% ऑक्युपेंसी थी पूरी महाराष्ट्र में, फिर भी 3,64,65 लाख रुपए कमाई थी दोस्तों फर्स्ट डे पे। लेकिन अटैक मूवी ने कमाए दोस्तों 3,51,00,000 रुपये फर्स्ट डे कलेक्शन। और ना ही कोई मूवी क्लेश है, उस वक्त क्लेश होने वाली थी दोस्तों, फ्राइडे को रिलीज होने वाली थी अंतिम द फाइनल ट्रूथ, लेकिन गुरुवार का दिन ये रिलीज हुआ था दोस्तों सत्यमेव जयते 2। लेकिन दोस्तों अटैक मूवी, जी हाँ दोस्तों, मेरे को यार अच्छी लगी है भाई, रियली बता रहा हूँ, ऑनेस्ट मेरे को बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी, रियल बता रहा हूँ यार। क्या एक्शन है मूवी में, सोनी इब्राहिम की जो सिक्वेंस है एक्शन वाला यार सुपर है, सॉन्ग अच्छे है, बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक का लाजवाब है, पब्लिक को पसंद भी आ रही है। मैंने कल ऑडियंस से पूछा तो 100 में 5% है जो कि इस मूवी के बारे में बुरा भला बोला, लेकिन सारे जन इस मूवी को अच्छे ही बोल रहे हैं। खैर, सेकेंड हाफ जो था थोड़ा सा धीमा किया है, लेकिन यार एक्शन के सामने वो धीमापन खत्म हो जाता है यार। बट यार पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक को क्या मूवी का अंतर है। सुपर सोल्जर, जी हाँ दोस्तों, सुपर सोल्जर, फर्स्ट इंडिया सुपर सोल्जर उन्होंने दिया, फिर भी पब्लिक यार क्या, पब्लिक को क्या चाहिए जॉनी इब्राहिम, अब तो पब्लिक ही बता सकती है अब जॉनी इब्राहिम को क्या करनी चाहिए। अब जॉनी इब्राहिम की एक ही मूवी है जो कि उम्मीद है दोस्तों, वो है पठान। रियल बता रहा हूँ, पठान मूवी से ही उम्मीद है, क्योंकि एक विलन रिटर्न से भी मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसमें अर्जुन कपूर है साथ में। रियल बता रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं मेरे को। अब उम्मीद है तो पठान से ये है कि पठान ही कुछ कर पाएगी, जॉनी इब्राहिम की करियर को वापस से जो मोड़ पे ला सकती है। रियल बता रहा हूँ, पठान ही ला सकती है भाई। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कलेक्शन मजा नहीं है, कम से कम तो यार 8-7 करोड़ होना ही चाहिए था दोस्तों जॉनी इब्राहिम के हिसाब से। तो बस भाई, इतनी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।